हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। बॉलीवुड की अभिनेत्रियां जब भी बाहर जाती हैं तो इनके साथ इनकी टाइट सिक्योरिटी जरूर रहती है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी अभिनेत्रियां भी हैं जो जब भी कभी अपने ऑडियंस के पास आती हैं तो इसी उत्साह में इन्हें भी यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ का शिकार होना पड़ता है। वहीं कई बार इन्हें अपने फैंस से मिलने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो आइए आज हम आपको उन घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें बॉलीवुड की इन ग्लैमरस एक्ट्रेसेस को भी शिकार होना पड़ा यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ का। जब कैटरीना कैफ दुर्गा पूजा अटेंड करने 2005 में कोलकाता पहुंची तो उन्हें देखने के लिए वहां पर लोगों की जमकर भीड़ लगी हुई थी। भीड़ इतनी थी कि कैटरीना की सिक्योरिटी भी उन्हें ढंग से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। मौके का फायदा उठाते ही लगी हुई भीड़ में उन्हें सार्वजनिक रूप से कुछ मंचलों ने छेड़ दिया। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा सोनम कपूर जब अपनी फिल्म रांझना को प्रमोट करने के लिए एक लोकल थिएटर गई थी तब वहां एक सिरफिरे फैन ने उन्हें दबोच लिया। उस वक्त वहां पर उनके को स्टार धनुष भी मौजूद थे जिन्होंने सोनम को वहां पर बचाया। बिपाशा बासु जो अपनी फिल्म राज 3 को प्रमोट करने के लिए अहमदाबाद पहुंची थी तब एक आदमी ने उनका स्कर्ट खींचने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, बिपाशा को दुर्गा पूजा पंडाल में छेड़छाड़ का शिकार होना पड़ा। ज्वेलरी स्टोर के इनॉग्रेशन के लिए सुष्मिता सेन जब वहां पर पहुंची तब उन्हें मौजूद भीड़ ने घेर लिया। वो कैसे ना कैसे सिर्फ अपनी कार तक ही पहुंच पाई, लेकिन इस दौरान भी कई मंचलों ने भीड़ का फायदा उठाकर उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए।